सड़कों पर उतरने को मजबूर करते हैं। पिछले काफी दिनों से काम छोड़ो हड़ताल है और जहां आम व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो वहीं डेली वेजेस वो परेशानी समझते हैं, लेकिन कारण ये है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत आश्वासन हो गया और अब जो है एकमात्र उपाय जो है वो उनको यही सूझ रहा है कि प्रशासन को चेताना होगा, समझाना होगा कि आखिरकार हमारा भी परिवार और हमारे परिवारों के साथ आप ऐसे गलत नहीं कर सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीसी रोड से सीधी तस्वीरें, जहां पर काफी बड़ी संख्या में जो है यहां पर डेली वेजर्स जो है एकत्रित हो चुके हैं। रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, पीछे आपको एक बस भी नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम की यहाँ पर स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है और ये संख्या दिखाने के लिए काफी है कि ये तमाम डेली वेजर्स पीएचई विभाग से ताल्लुक रखते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जब अधिकारियों का समय आता है इनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए तो तमाम अधिकारी जो है हाथ पीछे खींच लेते हैं। सवाल जो बहुत ज्यादा अहम है कि आखिरकार डेली वेजर्स का जो भविष्य है उसका क्या होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आज मुलाकात करकर आएंगे आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनके द्वारा क्या मैम? एक मिनट यार, आज हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार जी से बातचीत हुई, परसों भी हुई थी, आज फिर हुई, तो उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट को 24 जून को, आज तक उस लेटर का जवाब ही नहीं आया। जैसा कि 520 SRO जब बना था तो उसकी 6 मीटिंग हुई थी एम्पावर कमेटी की, उन 6 मीटिंगों में हमारे पीएचई के भी लोग अप्रूवल मिली थी और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, बाकी डिपार्टमेंट्स वाले लोग परमानेंट हो गए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनकी सैलरी भी मिलना शुरू हो गई, लेकिन पीएचई वालों को एक साइड पे रख दिया गया। उसी सिलसिले में एक लेटर वहां लिखा गया लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से आज टेलीफोनिकली भी उनके साथ बात की गई, तो वहां से जवाब ये मिला कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी में कन्वर्ट किया गया तो SRO 520 ऑन होल्ड चला गया, तो तब हमने उनको एक ऑर्डर जो 2020 5 अगस्त 2020 को हुआ था वो हमने काफी उनको प्रोवाइड करवाई कि अगर 2019 में अगर SRO ब्लॉक हो गया है तो ये 2020 में ऑर्डर कैसे हुआ। तब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दोबारा उनके फोन किया है और व्हाट्सएप पे उनको ऑर्डर कॉपी भी भेजी है और उन्होंने हमें कहा है कि जल्दी ही इसके ऊपर मैं रिप्लाई ले लूंगा उनसे, तो दोबारा आपको बुलाया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी। हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं, जब भी सरकार बुलाएगी हम बातचीत करेंगे, लेकिन बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ये बातचीत खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, रेगुलाइजेशन तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। कितने दिन हो गए काम छोड़ो हड़ताल? मैम आज 27वां दिन है और हमने आज 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए स्ट्राइक को और एक्सटेंड कर दिया गया। महीना होने वाला है और अगर हमें 2 महीने 4 महीने भी स्ट्राइक को चलाना पड़ा हम चलाएंगे, लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें 5 साल के बाद एज ए डेली वेजर ही रिटायर होकर घर जाना है तो उससे बेहतर है हम अभी खाली हाथ घर जाना पसंद करेंगे। कम से कम जो 5 साल और डिपार्टमेंट की सेवा करनी है उससे बेहतर है वो 5 साल हम बच्चों के लिए कहीं प्राइवेट में काम करेंगे, लेकिन अब बंधुआ मजदूरी इस डिपार्टमेंट की करने वाले हम नहीं है। इसलिए अगर सरकार को हमारी जरूरत है तो सरकार हमें हमारी रेगुलाइजेशन दे, अगर जरूरत नहीं है तो हमारा पेंडिंग वेजेस क्लियर करे उसके बाद एक ऑर्डर निकाल दे। महीने की पेंडिंग वेजेस है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि हम अधिकारियों को जो है दिवाली पे बोनस दे देंगे, ईद पर दे देंगे, आपको तो वेजेस ही नहीं मिलती है। मैम किसी की 70 महीने की ही है, किसी की 65 महीने की, किसी की 60 और मिनिमम 45 से 50 हर किसी डेली वेजर की है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बोनस कहाँ से देंगे जो हमारा काम किया हुआ वेजेस नहीं दे सकते और बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये विकास की राह पर जा रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोग ये आपका चैनल देख रहे हैं वो भी इस चीज को जरूर जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं नए जम्मू कश्मीर के, सच्चाई जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि डेली वेजरों के सर पे ये सरकार चल रही है, डेली वेजरों को पैसे से ये लोग सरकारें चला रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि मजदूरों का वेतन दे सके, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें पुराने वाले बहुत ज्यादा बेहतर थे, कम से कम वेजेस तो प्रॉपर मिलती थी। लेकिन इस समय जब ये काम छोड़ो हड़ताल आपने कहा 27 दिन का समय पूर्ण हो चुका है, तो इस समय में आप किस किस अधिकारी से मिले हैं अपनी परेशानी को व्यक्त करने? मैम इस वक्त हर कोई अधिकारी जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें कर ली है, तमाम सबसे मिल लिए, चाहे वो ADC हो, DC हो, मेयर हो,
चीफ इंजीनियर हों, एसी हों, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, सबके साथ हमारी लगभग दो दो तीन तीन सीटिंग हर किसी के साथ हो चुकी हैं, लेकिन जिन दो लोगों को ये डिसीजन लेना वो अभी तक शांत बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और उनको आखिर एक दिन बोलना पड़ेगा। कितनी देर खामोश रहेंगे ये वो खुद फैसला करें। जब आम नागरिक ही खुश नहीं रहेंगे और वो लोग जिनके लिए लगातार अगर हम कहें सदन में चर्चा होती है कि देखिए जम्मू कश्मीर में हर एक चीज जो है अच्छे सिरे से हो रही है, काम अच्छे स्तर पर हो रहा है और हर विभाग में डेली वेजर्स है, जब आप ही खुश नहीं रहेंगे तो ये तरह जो प्रशासन एक व्यक्त करता है कि देखिए हम जो है काम कर रहे हैं, सबको खुशहाली के दायरे में ला रहे हैं, तो लगता है कि वोटों के तौर पर अब वो गुस्सा निकलेगा। बिल्कुल मैडम निकलेगा। अगर गरीब किसी का हक छीना जाएगा किसी गरीब का तो वो वोट क्यों करेगा। और हमारा तो पिछले 28 साल से इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अगर पिछली सरकारों ने किया तो आज उनका हाशिर देख लें वो कहाँ पे हैं। जब हमने वोट की चोर की तो आज दिखाई नहीं दे रहे, तो ये कोई हमारे मामे के बेटे तो हैं नहीं। अगर इन्होंने हमारा 8 साल शोषण किया है तो सजा इनको भी बराबर मिलेगी। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। जैसे मैं कई बार देखता हूं कि इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये और जाएंगे कहां, तो ऑप्शन बनते देर नहीं लगती, कोई ना कोई नया ऑप्शन निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो लोग सत्ता में रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हों, जिनको हमने पहले आजमा चुके हैं, जिनको हम देख चुके हैं, इनमें से तो कोई आने वाला नहीं लगता। हाँ अगर आज इनके पास अभी मौका है, अगर ये रेगुलराइजेशन कर देते हैं तो फिर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें रोटी मिलेगी, जो हमें रोटी देगा, जो हमारे बच्चों को एजुकेशन देगा, तो उसका साथ हम जरूर देंगे। लेकिन जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा जैसे पिछली सरकारों ने किया, तो उसका हाल भी पिछली सरकारों की। जानना चाहूंगी महंगाई आज से बढ़ चुकी है, आटे पर भी जीएसटी लग रहा है, दूध दही शहद इस तरह से, तो अब और कितनी ज्यादा चुनौती होने वाली है डेली वेजर के परिवारों के लिए कि थाली में रोटी कैसे आए। रूहानी जी, हमारा शोषण यूटी बनने से पहले भी तो हो रहा था और यूटी बनने के बाद भी हम लोगों को ये उम्मीद हुई थी कि यूटी बनी है और अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को 10-15 हजार का महीने का बेनिफिट हुआ तो हमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन सरकार हमें दिन ब दिन मारना चाहती है तंगी तकलीफ से, शोषण से, तो हमने भी एक तैयार किया है, जितना सरकार जुल्म करेगी हम उसका बराबर शांतिपूर्ण जवाब देंगे। और जो काम छोड़ हड़ताल चल रही है ये तभी वापस होगी जब पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी। बातचीत का दौर, बाची का टेबल, बाची का चैनल हमने खुला रखा हुआ है, हम उसे पीछे हटने वाले नहीं है। किसी भी टेबल पे हमें बुलाया जाए, किसी चैनल पे बुला के डिस्कशन की जाए, हम हर जगह जाने को तैयार है। की तो व्यवस्था डगमगा रही है, पीएचई विभाग की तो व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है डेली वेजर्स। देखिए बात यह है कि इनको ये चीज दिख नहीं रही, इनको सिर्फ खुद एसीओ में बैठे हुए हैं, इनको ये चीज दिखती नहीं है। ग्राउंड पे लोग अगर 40-45 डिग्री टेम्परेचर कर रहे हैं तो पागल थोड़ी है वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है तो हम दबने वाले नहीं है। हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। हमने पिछले 25 साल से इस शोषण का शिकार कर रहे हैं और ये शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी। हर 30 को हमारा कोई ना कोई साथी इस डिपार्टमेंट को 25-27-30 साल सर्विस देके बगैर कुछ लिए रिटायर होके जा रहा है, तो ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों को पॉलिसी लेनी आती है और ये पॉलिसी देने के अलावा गवर्नमेंट के पास अब कोई चारा नहीं है। अगर रेगुलराइजेशन नहीं की तो अंतिम क्या विकल्प सोचा है? अंतिम विकल्प हमने सोच के रखा हुआ है, हम 2 या 3 दिन में अपने डिस्ट्रिक्टों के सभी साथियों को जम्मू पे न्योता देने वाले हैं और उनके साथ डिसाइड करके एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू शहर में होगा। जम्मू शहर के जितने हमारे जम्मू प्रोविंस के डिवीजन है 20 के 20, उनके सबके लोग जम्मू शहर में बैठेंगे। 5 दिन बैठे, 7 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, जब तक दिन रात बैठेंगे, जब तक पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रोटी के लिए लड़ रहे हैं जो हमारी थाली में गवर्नमेंट देना नहीं चाहती। परिवार क्या कहता है कि काफी दिन हो गए आप काम नहीं कर रहे, परिवार कैसे चलाएंगे? परिवार की बहुत ज्यादा परेशानी है, हम लोग आपको बता नहीं सकते अपनी व्यवस्था हमारे घरों में, हमारे बाहर हमारा क्या हशर हो रहा है। लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं, सरकार जितनी कोशिश करे हमें लिंगरान करने की, गोल गोल घुमाने की, बगैर पॉलिसी दिए सरकार की खलासी होने वाली अब नहीं है। देखिए अंतिम जो ये मांग है वो रेगुलराइजेशन की मांग है, यानी कि हमें पक्का कर दीजिए, और उसी मांग को लेकर तमाम डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 27 दिन आज हो चुके हैं और अगले 2 दिन के लिए डेली वेजर्स ने काम छोड़ो हड़ताल जो है वो बढ़ा दी है।
तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परिवार इनके साथ है वो यही कह रहा है कि सैलरी की अब सोचिए मत, अब रेगुलराइजेशन की सोचिए, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई रिटायर होकर चला जाता है विभाग से, लेकिन अब जो है हमें हमारे भविष्य की चिंता है, तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप रेगुलराइजेशन के दायरे में क्यों नहीं है। तो घर के जो प्रमुख होते हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और अब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है प्रशासन को सचेत करने की, प्रशासन को चेताने की कि देखिए बहुत हो गया, अब हम जो है पीछे हटने वाले नहीं है, ये कदम तभी रुकेंगे जब रेगुलराइजेशन हो गया। आप यूं हमारे बने रहिए, देखते थे न्यूज़ ऑन लाइव जम्मू सुहाना।